सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये प्रेमी ने प्रेमिका के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया है। वायरल वीडियो में प्रेमी से प्रेमिका शादी करने के लिए जो है साथ चलने की बात कर रहा है, जिससे नाराज युवक ने युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान मारपीट का वीडियो युवक के दोस्त ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और तलाश शुरू कर दी। बता दें, सोशल मीडिया में वायरल हुआ यह वीडियो रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र का है, जहां युवक ने युवती से शादी करके साथ चलने की जिद की, लेकिन युवती मना कर रही थी, जिससे नाराज होकर युवक ने बेरहमी से पहले तो युवती को जोरदार तमाशा मारा, फिर युवती को जमीन पर पटक दिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान युवती बेहोश हो गई। काफी देर तक युवती को बेहोशी के हालात में सड़क किनारे जो है उसने छोड़ दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये पूरी घटना जो है बुधवार की बताई जा रही है। मारपीट करने वाला युवक पंकज त्रिपाठी मऊगंज स्थित डेरा गांव का निवासी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले युवक का भारत साकेत और मुख्य आरोपी पंकज त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। एक लड़का जो है जो मारपीट कर रहा है, वो इस लड़की से पिछले एक साल से संपर्क में थे, आपस में उनका दोस्ती थी। लड़का लड़की से विवाह करने का हमेशा प्रस्ताव रखता था, चूंकि घर वाले लड़की के तैयार नहीं थे, इसलिए लड़की तैयार नहीं थी। जिस दिन उसके साथ मारपीट हुई, लड़के ने उसको ले जाकर के शादी का दबाव डाला और उसने मना करने पे उसके साथ मारपीट की। उसके सहयोगी ने उनका वीडियो बनाया,